नमस्कार। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। रांची से पटना के लिए इंडिगो की फ़्लाइट ने उड़ान भरी थी और वो फ़्लाइट पटना नहीं पहुंचकर फ़िलहाल वाराणसी पहुंच गई है। दरअसल इंडिगो की फ़्लाइट जिसका नंबर 6E925 है, वह रांची से भाया पटना लखनऊ जाने वाली थी, लेकिन इस वक्त वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बताया जा रहा है कि जैसे ही फ़्लाइट पटना पहुंची, मौसम काफ़ी बिगड़ गया। बारिश होने की वजह से पटना में लैंड नहीं हो पाया। पटना एयरपोर्ट के ऊपर करीब आधे घंटे तक फ़्लाइट मंडराती रही, लेकिन फिर भी जब वहां पर फ़्लाइट लैंड नहीं हो पाई, तब इमरजेंसी लैंडिंग फ़िलहाल वाराणसी में कराया गया है। पटना और लखनऊ जाने वाले पैसेंजर फ़िलहाल फ़्लाइट में मौजूद हैं, उन्हें फ़्लाइट से निकलने भी नहीं दिया जा रहा है। यात्री परेशान हैं। फॉलो अप को फ़ोन करके उन्होंने जानकारी दी और बताया कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी अब तक नहीं हो पाया है, न इसकी जानकारी दी जा रही है और न ही फ़्लाइट से बाहर निकलने की इजाज़त दी जा रही है। आप समझिए कि मानसून का आगमन हो चुका है और मौसम लगातार बिगड़ते जा रहा है। रांची से 1:40 पर वो फ़्लाइट उड़ी थी पटना जाने के लिए। आधे घंटे में ही पटना पहुंचने का समय है फ़्लाइट का, आधे से थोड़े से अधिक समय में, और फ़्लाइट जो है वो पटना नहीं पहुंच पाई। पटना पहुंचकर लैंड नहीं कर पाई एयरपोर्ट पर, क्योंकि बारिश काफ़ी हो रही थी और वहां से रूट डाइवर्ट करते हुए इमरजेंसी लैंडिंग वाराणसी में कराई गई है। आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। जो फ़्लाइट में मौजूद पैसेंजर हैं, उन्होंने फ़ोन करके जो जानकारी दी, वो आप भी सुनिए। हमारे साथ फ़्लाइट में मौजूद एक पैसेंजर फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कैलाश यादव जी फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं, जो राजद के प्रवक्ता हैं और रांची से पटना ये जा रहे थे और इंडिगो की ये फ़्लाइट रांची से उड़ान भरी, पटना नहीं जाकर वाराणसी पहुँच गई है। कैलाश जी, आप लोग कहाँ हैं, कैसे क्या हुआ, क्या कारण बताया जा रहा है? कारण तो लोग बता रहे हैं कि बारिश के चलते लैंड नहीं किया। आधा घंटा पटना जो है कि ऊपर में मूवमेंट करते रहा, लास्ट लोग बोला कि वाराणसी जो है कि हम लोग लैंड करेंगे इमरजेंसी। यहाँ पर अभी लैंड किए हुए काफी देर से सारे यात्री परेशान हैं, इसमें कुछ लखनऊ के भी पैसेंजर हैं जी, क्योंकि पटना भाया लखनऊ इसको जाना था। फ्लाइट का नंबर है आपको 6E925, इंडिगो फ्लाइट है। 1:40 की फ्लाइट थी वहाँ पर, रांची से 1:40 की फ्लाइट थी। रांची से पटना जाना था और फिर पटना से लखनऊ जाना था। जी जी जी, तो हमको पटना उतरना था, तो लेकिन पटना एयरपोर्ट के ऊपर आधे घंटे तक फ्लाइट जो है वो मंडराती रही, लेकिन बारिश की वजह से लैंड नहीं कर पाई, आप ये बता रहे हैं? हाँ, जैसा ही लोग रिपोर्ट किया कि बारिश के चलते जो है कि लैंड नहीं कर सका, लास्टली लोग वाराणसी उतार दिया। अब यहाँ पर हम लोग न इधर के न उधर के हुए, अभी तक कोई अपडेट नहीं दे रहा है। लोग काफी देर से हम लोग यहाँ पर है वाराणसी में, तो 30-40 मिनट हो गए। तो पटना के कितने यात्री होंगे जो पटना नहीं उतर सके और वाराणसी पहुंच गए? इसमें मैक्सिमम लोग पटना के हैं और काफी लोग भी आपको लखनऊ के भी, फ्लाइट लगभग फुल है। अच्छा, हेलो जी। तो क्या तो क्या बताया जा रहा है इंडिगो की तरफ से कि आप लोगों को के जाने की क्या व्यवस्था की जा रही है? अभी तक तो कुछ अपडेट आया नहीं। बोलते हैं कि हम लोग वहाँ सिक्योरिटी गार्ड को बुलाए हैं यहाँ से, जो यहाँ एयरपोर्ट के साइड में जो रनवे के साइड में जो है जी, ये आपको लगाए हुए हैं, बात कर रहे हैं अपने वहाँ से सभी स्टाफ से। कितने पैसे उतरने का नीचे उतरने का भी इजाजत नहीं है किसी को। अच्छा, आप लोगों को फ्लाइट पर बैठा कर ही रखा गया है, खास करके उनको जो पटना के थे या फिर जो वाराणसी उतरने वाले थे, लखनऊ उतरने वाले थे, उनको भी वाराणसी के, क्योंकि इसकी पटना से डायरेक्ट लखनऊ थी, तो बीच में इमरजेंसी लैंडिंग वाराणसी हुआ। हाँ, इसका लैंडिंग प्लस जो है आपको वाराणसी नहीं है, जी जिस अच्छा। कारण से सभी लोग लखनऊ वाला भी परेशान है, पटना वाले लोग भी परेशान है। कितने लोग हैं आप लोग फ्लाइट में? लगभग हमको लगता है कि आपको 180 सीटर है, ठीक है ना जी, इसमें 170 के आसपास होंगे, 60-65 होंगे। तो ये अभी बताया नहीं गया है कि वैकल्पिक व्यवस्था आप लोगों के लिए क्या की? नहीं, अभी वैकल्पिक लोग बताया नहीं है और अभी तक तो फाइनल अपडेट नहीं आया कि क्या करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक, ओके। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF।
झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। The follow-up.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.